हम सब लोगों को समझना होगा, शेल, सब शेल और वाइटल में क्या डिफरेंसेज हैं, है ना। शेल हिंदी में कहते हैं कोश, हिंदी में कहते हैं कोश। सब शेल क्या कहते हैं हिंदी में? उपकोश। और वाइटल क्या कहते हैं हिंदी में? कक्षक। शेल, सब शेल और ऑर्बिटल आपको समझ में अगर अच्छे से आए तो क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन भी फटाफट हो जाएंगे। लेकिन अभी आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इंटरेस्टेड हैं। रैंडमली पढ़ने का तरीका कभी भी ऑप्ट नहीं करना है। जब जिस चीज की बात हो सिस्टमेटिकली पढ़ना है और उसी को अप्लाई करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब क्वांटम नंबर की बात आएगी तो क्वांटम नंबर की बात कर लेंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात आ रही है तो कॉन्फ़िगरेशन पे बातचीत करेंगे। ओके, शेल, सब शेल और वाइटल, है ना। कोश, इसको क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। इसको क्या कहते हैं? उप ऊर्जा स्तर। और ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की मैक्सिमम प्रायिकता होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, वो स्पेस, एटम के अंदर वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम संभावना है। ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन रहे ये जरूरी नहीं है, है ना। लेकिन रहेगा तो कहां रहेगा? ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल वो जगह है, वो स्पेस है थ्री डायमेंशनल जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम संभावना है। और ये क्या है? शेल मतलब ऊर्जा स्तर, और ये क्या है? उप ऊर्जा स्तर। तो अब हमें इस बात को समझना है, ये तो परिभाषा हो गया, हम इस बात को फील करना है, क्योंकि आगे चल के जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हम तो उनको भी ये समझा पाए, एक्सप्लेन करा पाए, हम फील करा पाए कि क्या ये बात हम बोल रहे हैं। जैसे हमारा और आपका सबका एक अपना एड्रेस होता है, मैं अपना एड्रेस आपको बता दूं, ठीक है। ये है मेरा नाम अमित त्रिपाठी, और ये है मेरा मकान नंबर 13, और ये इधर लिख दिया हमने झूसी, और ये लिख दिया इलाहाबाद। मैंने कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए है, है ना। एड्रेस के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इलाहाबाद क्या है? इलाहाबाद ये शहर का नाम है, झूसी मोहल्ले का नाम है, और 13 मकान नंबर है। इलाहाबाद शहर का नाम है, झूसी मोहल्ले का नाम है, और ये मकान नंबर है। इस मकान नंबर में अमित सर को पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अगर इलाहाबाद कोई आ जाए बाहर से तो कहीं भी आ जाए क्या अमित सर मिल जाएंगे? नहीं। झूसी में कहीं भी चला जाए मिल जाएंगे? नहीं। लेकिन 13 मकान नंबर में आएंगे तो अमित सर के मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। कहते हैं ना आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आप जाएंगे कहां? कहते हैं ना आपके घर तक पहुंच जाएंगे, जाएंगे कहां? इसका मतलब क्या हुआ कि घर में किसी के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो बस ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन का मकान नंबर। सबशेल क्या है? उसका मोहल्ला, उपकोश, है ना, झूसी। और शेल क्या है? ऊर्जा स्तर, शहर का नाम इलाहाबाद। बोलिए आपको समझ में आ रहा है? जैसे हर इंसान का एक अपना एड्रेस होता है, शहर, मोहल्ला, मकान नंबर, लेकिन मकान नंबर ही उसके ऊपर मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस है, शेल, है ना, सब शेल, ऑर्बिटल, कोश, उपकोश एंड कक्षक। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ऐसे अपना एड्रेस आप डाल सकते हैं, है ना, और अपने किसी प्रिय का एड्रेस डाल के आप समझ सकते हैं कि शेल क्या है, सब शेल क्या है और ऑर्बिटल क्या है। मैंने फर्स्ट डे से कहते आ रहे हैं कि पढ़ने के उस ट्रेडिशनल तरीके को बदलना है जिसमें डेफिनेशन पढ़ पढ़ के केवल हम बातों को याद कर लेते हैं और लगता है कि एक पढ़ने की नई परंपरा हम बना रहे हैं। इसकी ये डेफिनेशन, इसकी ये डेफिनेशन, हर बात को हमें फील करना है ताकि जब हम एक बतौर शिक्षक जब हम किसी को अपनी बात एक्सप्लेन करें तो हम उसको फील करा पाए, उसको तुरंत बात समझ में आ जाए। ठीक है सर, ओके। तो अब यहां पर बातचीत हो रही है शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। ये शहर है, ये मोहल्ला है, और ये सॉरी ये शहर है, ये मोहल्ला है, और ये मकान नंबर है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे बातचीत करते हैं। चलिए भाई, अब
अब बात करते हैं शेल का क्या मतलब है, सब शेल का क्या मतलब है। देखिए न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का ऐसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के अबाउट कर लिया। मैं ऐसा नहीं, जितना मैं लिख रहा हूं कुछ जरूरी नहीं, उतना इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा कम भी हो सकते हैं, मैंने रैंडमली कुछ भी बिंदी बिंदी बना दी। अब न्यूक्लियस के अबाउट जो मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए हैं, ऐसे जो बना दिए हैं, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का, नाभिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि दो अपोजिट चार्ज, दो असमान आवेश आपस में आकर्षण बल लगाते हैं। तो यहां पर एक आकर्षण लग रहा होगा, यहां भी आकर्षण लग रहा होगा, यहां भी आकर्षण लग रहा होगा। बोलिए लग रहा कि नहीं? हमें पता है यहां पर लगने वाला फोर्स अलग, यहां पर लगने वाला फोर्स अलग, यहां पर लगने वाला फोर्स अलग, ओके और दूरी भी अलग, यहां की दूरी अलग, d1 अलग, यहां से यहां तक की दूरी अलग, यहां से दूरी अलग। और फोर्स को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आता है, जब बल को विस्थापन से गुणा करते हैं तो इनके गुणनफल को फिजिक्स में ऊर्जा कहते हैं। तो जब यहां का फोर्स और डिस्टेंस अलग है तो यहां की ऊर्जा अलग होगी, यहां की ऊर्जा अलग होगी, यहां की ऊर्जा अलग होगी। इसी अलग अलग ऊर्जा स्तर को हम लोग शेल कहते हैं। जब इनमें एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है तो शेल है, अब यहां और यहां वाले में मार्जिनल डिफरेंस है तो ये क्या है? सब शेल है। यहां और यहां वाले में कम डिफरेंस है, सब शेल है। यहां और यहां वाले में ज्यादा डिफरेंस है तो ये क्या हो गया? ये शेल हो गया। तो ये एनर्जी का स्तर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, तो उस आकर्षण बल और दूरी में मल्टीप्लाई कर दो तो ऊर्जा आता है। और ऊर्जा जो आप पढ़ रहे हो, ये ऊर्जा है ना कि अलग अलग जो वैल्यूज हैं वही ऊर्जा स्तर को बताते हैं, वही कोश को बताते हैं। तो शेल्स आर व्हाट? एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। सब सेल आर व्हाट? सब एनर्जी लेवल। जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा उसका प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। उससे क्या होगा, आप हमारे वीडियो लेक्चर में उस नोट्स को सामने रख के पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एक एक चीज पढ़ते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, जहां जहां कोई बात डाउट हो गया उसको मार्क करते चलेंगे। लाइव क्लास में, डाउट सेशन में मैं आऊंगा और एक एक बात आपकी, जो जो आपकी क्वेरीज होगी, पहले से मैं आपको आपकी क्वेरीज अपने टेलीग्राम ग्रुप में मंगा लूंगा, और सबसे पहले जितने लोग जहां जहां क्वेरीज करेंगे उन सबको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो डाउट सेशन में हम लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वहां अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम लोग, आपने समझ में तो आ गया, अब आपको करना है एप्लीकेशन, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका आपको क्या करना है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको समझ में आ गया तो क्या चाहिए? प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहीं से कुछ भी नहीं, फोकस्ड क्वेश्चन जो टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछे जाए या उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस। तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, फिर ऐसे ही मैराथन क्लास में रिवाइज करेंगे, फिर बार बार हम लोग प्रैक्टिस सीट करते रहेंगे, और फाइनली जो हमारा टारगेट है 100% मार्क्स गेन करने का, जो शुरुआत में कहने पर बड़ा अजीब सा लगता है, ये तो कहने वाली बात है ना, वो अचीव करते हुए हम खुद से दिखेंगे, या आत्मविश्वास आपके अंदर भी आएगा। लेकिन अभी इस प्रक्रिया को शुरुआत करते हैं हम लोग, हर छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, बड़े प्यार से बड़े एनर्जी के साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने आप को हम कितना डेडिकेट कर पाते हैं उसको समझने में। अगर उसको समझने में आपका समर्पण अच्छा है, आप प्रॉपर ईयरफोन लगा के कॉपी ओपी लेके एक चीज पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। ये मैं नहीं, जो मेरे ऊपर मां शारदा की ब्लेसिंग्स रही हैं पिछले 20 सालों से, वो बोल रही हैं, उस आत्मविश्वास की वजह से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 20 सालों में इतने सारे विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन हम लोगों ने टॉप कराया है, हमारे छात्रों ने टॉप किया है, वो आत्मविश्वास है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये बात मैं रोज आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन सीधे हमसे लगेंगे, क्योंकि सर के विद्यार्थियों से भी लगते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करना है एनर्जी लेवल क्या है, हो गया। अब यहां पर ये सब एनर्जी लेवल की बात होगी और यहां पर एनर्जी लेवल की बात होगी। एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल इसी एफ और डी को मल्टीप्लाई करने से
ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस एनर्जी लेवल, कम एनर्जी का डिफरेंस सब एनर्जी लेवल की बात हो गई। अब आगे, अब इस बात को और अच्छे से करते हैं, तो ये तो कॉमन इन जनरल बात थी। अब इस बात को ऐसे कहते हैं कि न्यूक्लियस के अबाउट ये पहला सेल है, ये दूसरा, तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, तो इसका नाम रख दिया हमने के एल एम एन। ठीक है, पहला जो शेल है वो केवल एक एनर्जी लेवल में बटा हुआ है, मतलब पहले शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सबकी एनर्जी सेम है, तो उसका सब सेल भी एक ही हो गया, उसका सब शेल एक हो गया और उसका नाम क्या हो गया, एस। दूसरा शेल दो एनर्जी लेवल में बटा है, उसका नाम क्या हो गया, एस एंड पी। तीसरा सेल तीन एनर्जी लेवल में बटा है, एस पी डी। चौथा सेल एस पी डी एफ। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही चार चार करके हम लोग शेल को बांटते जाएंगे, सब शेल को बांटते जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो कि इलाहाबाद है, इसमें दो मोहल्ले हैं, है ना, इलाहाबाद में तो बहुत मोहल्ले हैं, मान लिया जाए कोई एक ऐसा शहर है जिसमें दो ही मोहल्ले, नया नया शहर बसा अभी, है ना, किसी शहर में तीन मोहल्ले हैं, किसी शहर में चार मोहल्ले हैं, तो ये सब जो मोहल्ले हैं वो क्या है, सब शेल, और ये सब के एलिमेंट क्या है, ये शहर है। अब उन मोहल्लों में मकान वो क्या है, ऑर्बिटल, तो एस सब शेल जहां भी होगा, चाहे जिस शहर में ये मोहल्ला होगा, अगर उसका नाम एस है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही कक्षक होगा, तो एस सब शेल में ऑर्बिटल कितना होगा, एक। एस कहीं भी होगा, चाहे पहले शेल में हो चाहे दूसरे में हो, ऑर्बिटल कितना होगा, एक। समझ में आ रही बातें, याद हो रही है, समझने के साथ साथ लेक्चर को याद करना है। पहले सेल में एस हो, चाहे दूसरे सेल में हो, चाहे तीसरे सेल में हो, चाहे चौथे सेल में हो, हमेशा ऑर्बिटल कितने होंगे, एक। पी में ऑर्बिटल कितने होंगे, तीन, है ना। अब हम ऐसे गोल गोल बना रहे हैं, लेकिन गोल नहीं होता, डंबल होता है, वो केवल इसलिए बना रहे कि स्पेस कम है, बस एक स्पेस दिख जाए कि हाँ भाई तीन डब्बे हैं, है ना, यहां पर तीन डब्बे हैं, यहां पर तीन डब्बे हैं, है ना, और यहां कहीं भी पी होगा, चाहे वो दूसरे में हो, चाहे तीसरे में हो, चाहे चौथे में हो या आगे हो, सब में पी में ऑर्बिटल को रहने के लिए तीन स्पेस, तीन इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए तीन स्पेस है, जिनको कि हम पी ऑर्बिटल कहते हैं। अब बात करते हैं डी, डी में पांच है, है ना, डी सबशेल में पांच ऑर्बिटल है। डी एक ऐसा मोहल्ला है, है ना, जिसमें कि पांच मकान है, डी चाहे वो थर्ड सेल का हो चाहे फोर्थ सेल का हो, है ना, डी में पांच ही मकान होंगे, और ऐसे ही एफ में सात मकान होंगे। ये हो गया, याद करना एकदम इजी इसलिए है क्योंकि हम लोग को पता है कि एस में एक है, है ना, और पी में तीन है, और डी में पांच है, और एफ में सात है, मतलब क्या हो गया, मतलब अल्टरनेट है, एक छोड़ के एक है, एक तीन पांच सात, तो इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत याद करना है, भूल गए कितने थे क्या थे, तो एस में एक है, पी में तीन है, डी में पांच है, और एफ में सात है, क्या, ऑर्बिटल। और एसपीडीएफ क्या है, एसपीडीएफ क्या है, ये सब है सब शेल। अब एसपीडीएफ का फुल फॉर्म कोई पूछे, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड, एफ फॉर फंडामेंटल, ये बच्चों को बताने की काम है, हमने, हमारा एग्जाम में नहीं आना है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास किसी चीज का नॉलेज है तो नॉलेज को परफॉर्म करना, केवल दिखाना, है ना, कि ये बात वो बात आलतू फालतू पढ़ना, यही सब एग्जामिनेशन में नंबर कम करवाता। बहुत सारे शिक्षकों को आपने देखा होगा कि वो स्कूल लेवल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते, लेकिन वो पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, ऐसा नहीं उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड फोकस्ड प्रिपरेशन उनकी नहीं है, उनको पर्टिकुलर किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए दिया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं तो नर्वस होकर के, अंडर कॉन्फिडेंस आकर के वो एग्जाम में कम परफॉर्म कर पाते हैं। और कई कई ऐसे शिक्षक भी हैं जो एग्जाम देते हैं और अपना स्कोर इतना कम आता है कि उनको खुद ही लगता है कि मैं इतना अच्छा शिक्षक होते हुए क्यों नंबर कम ला रहा हूं। ऐसा बहुत सारे शिक्षकों के साथ होता है, और ये मैं आपके मन की बात समझता हूं, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि अनायास कुछ भी पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलता, इसलिए हमने, हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो फोकस्ड करेंगे, ओरिएंटेड करेंगे, ताकि सीधे जो पढ़े क्वेश्चन में लगे और हमारा एग्जामिनेशन में स्कोर अच्छा हो जाए। तो अभी हमें क्या करना है कि हर बात नहीं पढ़ना है कि शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, हर बात लिखे जा रहे हैं, है ना, हमारे पास जो आवश्यक जानकारी एग्जामिनेशन के लिए उस पर चलेंगे। हाँ, नॉलेज बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी नॉलेज गेन करते रहेंगे, उससे तो चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है और कॉन्सेप्चुअल बनता है और मजा आता है, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करने जा रहे हैं। तो पहले सेल में केवल एस है, दूसरे सेल में एसपी है, तीसरे सेल में एसपीडी है, चौथे सेल में एसपीडीएफ है, और
ये सब जो हम लोग शेल वाइज लिख रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं हो, जरूरी नहीं है कि पहले सेल में जो एस है, दूसरे सेल में जो एस है, ये तीसरे सेल में पी है, इसमें एनर्जी का जो क्रम है वो लगातार हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा ये हो सकता है कि चौथे सेल के एस की एनर्जी है ना, चौथे सेल के एस की एनर्जी कम हो और तीसरे सेल के डी की एनर्जी ज्यादा हो, है ना। इसके लिए हम लोग एन प्लस एल का रूल पढ़ेंगे, वो अभी यहां पर आवश्यक नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, कैसे वहां तक पहुंचना उस पर चलिए। यह नहीं कि हम एन प्लस एल रूल नहीं पता है, यह नहीं हुआ, नॉलेज दिखाने की जरूरत, परफॉर्मेंस मतलब क्या करना है, कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है। ये वो नॉलेज हमारे पास वीडियो चैट में बहुत सारे बच्चे कुछ भी लिखते रहते हैं तो बड़ा हंसी आती है ना, कि आप अपने नॉलेज को एग्जामिनेशन में परफॉर्म करो, है ना। आप कोशिश करो आप कि हमेशा शांत होकर के कूल माइंड से चीजों को लर्न करने की आदत पड़ जाए, सीखने की आदत पड़ जाए, हमें कितनी चीजें आती हो दिखाने की आदत ना पड़े। और ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर, हम सब शिक्षकों के अंदर रही है, तभी हम लोग अच्छा कर पाए हैं और तभी हम लोग इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना दावे के साथ बोलते हैं कि ऐसा रिजल्ट दे पाएंगे। तो चलिए, मैंने आपसे बोला कि ये जो सीखना है, एग्जाम निकालना एक साधना है, उसी भाव में हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको जो अभी बोला है कि ये जरूरी नहीं कि इसकी एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी बाद में है तो ज्यादा हो, है ना, एफ इंटू डी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए, इसकी एनर्जी कम हो जाए, तो एनर्जी के लेवल में इनको लिखना है। और ये एटमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना में पढ़ते हैं, लेकिन हम आज आपको परमाणु की संरचना चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, इसलिए हम आपको वो चीज बताएंगे जिससे कि सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमारा कॉन्सेप्ट चला है। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, अब ये करने जा रहे हैं कि हम लोग इसको पीरियड वाइज, ये जो शेल, सबसेल और ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी को पीरियड वाइज, पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त होता है, आवर्त के अकॉर्डिंग लिखने शुरू कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का था, हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से था, याद आ रहा आपको कि पहले पीरियड में केवल एस ब्लॉक था, हीलियम को हमने रखा जरूर था पी में, लेकिन हीलियम में एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो केवल एस ही यूज हुआ, है ना। सेकेंड पीरियड में एस और पी था, थर्ड पीरियड में एस और पी था, चौथे पीरियड में एस फिर डी फिर पी आया, पांचवें में एस डी पी आया, छठवें में एस फिर एफ नीचे फिर डी और पी आया, और सातवें में एस फिर नीचे एफ फिर डी फिर पी आया। अगर आपको टेबल, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का पहला लेक्चर आपने देखा है तो आपको याद आ रहा होगा कि भाई किस तरीके से हमारा टेबल दिखता है ना। एस पहले में केवल एस, भले हीलियम पी में रहता है लेकिन उसके पी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वो इनर्ट गैस है, इसलिए उसको पी ब्लॉक में रखा जाता है ना, इनर्ट गैस के नेचर की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही एकमात्र कारण नहीं होता पीरियोडिक टेबल में तत्वों को अरेंज करने का, उसके गुणों को देख करके भी अरेंज किया जाता है। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि अगर पीरियड वाइज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, पीरियड वाइज लिखें, देखिए एक मजेदार बात शुरू हो रही है ना, पीरियड वाइज लिखें, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ, ये है पीरियड और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उन सभी छात्रों को मेरा ढेर सारा प्यार जिन्होंने हमारे वीडियो देखने के बाद वाओ शानदार अमेजिंग लिख करके अपनी हैप्पीनेस को फील किया है। मैंने आपसे बोला है कि जब किसी चीज को पढ़ के आपके अंदर हैप्पीनेस आती है, इसका मतलब यह होता है कि आप बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति का रिजल्ट होता है। किसी चीज को पढ़ने के बाद आपका मन दुखी ही रहता है, सीख रहे हैं आपको लग रहा है कि बड़ी अच्छी बातें हमने सीखी लेकिन मन में पॉजिटिविटी ही नहीं है, सकारात्मकता ही नहीं है, तो ऐसे केस में परिणाम तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। हो सकता है पढ़ाई के दौरान आपको कोई बात कभी पहले आ जाए किसी विद्यार्थी से, कभी कुछ बाद में आ जाए, परिणाम के दौरान आप पिछड़ जाते हैं। तो बहुत सकारात्मक सोच के साथ जिन विद्यार्थियों ने हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख करके बड़े एनर्जेटिक मैसेजेस किए हैं, उन सब विद्यार्थियों को मां शारदा का आशीर्वाद। आइए हम आगे आपको यहां से समझाने की कोशिश करते हैं और इस पॉजिटिविटी को, इस सकारात्मकता को पूरे कोर्स के दौरान मेंटेन रखना है, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल इस पूरे बैच के माहौल को बेहतरीन कर देगा। और माहौल एक बार बन गया, माहौल एक बार बन गया तो आप समझिए कि ऐसे ऐसे बैचेस हमने पढ़ाया है कि 40 बैच में से, 40 बच्चों के एक छोटे से बैच में से 18 बच्चों को क्वालिफाई कराया, तो और ये रिकॉर्ड है ना,
आपको मिल सकता है इसी शहर में। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। तो अब यहां पे हम बात कर रहे थे, चलिए मैं इसी के साथ लिख देता हूं, अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी रहे, अलग अलग दिखे। चलिए अब देखिए, पहले पीरियड में केवल एस होता है, पी ब्लॉक में रहता है हीलियम, लेकिन एस ही होता है क्योंकि पहले में केवल एस सबशेल है। तो पहले में हम लोग क्या लिखेंगे, 1s। ठीक है, याद करने के तरीका को थोड़ा चेंज करना है ना, यानी कि पहले आप लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे कट कट वाला पढ़ेंगे, फिर एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वो लेंदी तरीका हो गया है ना, वो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। ठीक है, वही तरीका है जिससे ये बातें आई हैं, लेकिन अब हमें उसको पढ़ना है जो सीधे कम पढ़ के और सीधे क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगे। सेकेंड पीरियड में एस एंड पी ब्लॉक टेबल दिखता हमको, तो 2s एंड 2p। थर्ड पीरियड में भी एस एंड पी होता है क्योंकि डी तो चौथे पीरियड शुरू होता है, तो 3s एंड 3p। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब चौथे पीरियड में एस डी और पी आता है, लेकिन डी आपको याद होगा तीसरे शुरू हो गया था, पहले शेल में केवल एस था, दूसरा दो पार्ट में बटा था एसपी, तीसरा तीन पार्ट में बटा था, चौथा चार पार्ट में, और आगे सब चार ही पार्ट में है ना, एसपीडीएफ तक ही हमें पढ़ने हैं, और भी जो ऑर्बिटल्स उसके बारे में पढ़ने नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब चौथे का हम लिखेंगे, चौथे में देखिए एस डीपी लिखेंगे, चौथे में एस लिखेंगे 4s, है ना। देखिए ये 3s है तो 4s लिख दिए, 3p है तो 4p लिख दिए, लेकिन बीच में डी आ रहा है, तो डी कहां शुरू होता है, तीसरे से। तो याद रखिएगा कि 4s और 4p के बीच में 3d लिखेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है, F इंटू डी का गुणनफल इसमें ज्यादा आता है, और F इंटू डी का गुणनफल फोर्स और विस्थापन का गुणनफल यहां पे कम आता है। तो आपको याद क्या करना है, फाइनली आपको याद करना है कि 4s और 4p के बीच में 3d आ रहा है, और कैसे आ रहा है ये हम लोग एटमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना वाला कॉन्सेप्ट में अब्बा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो ये सब बातें सामने आएंगी। आज उसकी आवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। तो अब बस कैसे करना है, 4s 4p के बीच में 3d आता है ना, अब ऐसे ही 5s 5p के बीच में 4d आता है, क्योंकि f तो सातवें और छठवें में आता है, f चौथे और पांचवें में नहीं आता है। चलिए मेरे भाई, तो 6s और 6p, अब f आएगा, और f कहां शुरू होता है, चौथे से, याद होगा मैंने बोला था चौथा चार पार्ट में बटा spdf, चौथा शेल चार पार्ट में बटा spdf, यानी चौथे से 4f शुरू होता है। तो क्या लिखेंगे, 4f 5d, d तो इसी को कॉमन कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं 3d 45d, और f अभी भी शुरू हुआ है, आगे बढ़ते सातवें में 7s 5f 6d 7p। देखिए ये जो मैंने लिखा है आपको एक बार याद कराते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा है ना, ताकि आपको एकदम से याद ही हो जाए, मजा ही आ जाए। देखिए पीरियोडिक टेबल के है ना, पहले पीरियड वाले एलिमेंट को केवल 1s में भरा जाएगा, याद हो गया आपको, दूसरा तीसरा एक जैसा है, 2s 2p 3s 3p, पहला 1s, दूसरा 2s 2p, तीसरा 3s 3p, चौथे और पांचवें में s के बाद d और p आएंगे, लेकिन d s और p से एक कम आएगा, तो चौथे में s तो 4s आएगा, p भी 4p आएगा, लेकिन d एक कम आएगा 3d, पांचवें में s 5s आएगा, p 5p आएगा, लेकिन d एक कम आएगा 4d। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। अब छठवें में चलते हैं और सातवें में, छठवें में s के बाद f, f के बाद d, d के बाद p, s के बाद f, f के बाद d, d के बाद p, ओके। तो अब s के बाद f, फिर d, फिर p, s f d p, है ना। तो अब f दो कम आएगा, जितना s आ रहा है उससे f दो कम आएगा, ये 6 है तो ये 4 है, ये 7 है तो ये 5 है, और d हमेशा एक कम आएगा, तो बस हो गया, याद हो गया है ना। एक बार मैं आप सब लोगों को चेक कराता हूं कैसे याद करना था, देख लीजिए कि आपको याद हो गया है कि नहीं, ये मैं आपको फिर से चेक करा देता हूं है ना। पहले वाले में केवल s 1s, दूसरे तीसरे में sp है ना, तो 2s 2p, 3s 3p, दूसरे तीसरे में केवल sp, चौथे पांचवें में s और p के बीच में d, लेकिन d एक कम रहेगा, अगर ये 4s है और ये 4p है तो ये 3d रहेगा, ये 5s है और 5p है तो ये 4d रहेगा, और छठवें और सातवें में s के बाद f तब d तब p, छठवें और सातवें में s के बाद f फिर d फिर p, सातवें में s के बाद है ना, s के बाद f फिर d, s और p के बीच में f फिर d,
याद हो रहा है आपको? कैसे याद हो रहा है? पहले में एस, दूसरा और तीसरा एक जैसा, 2s2p, 3s3p, चौथा और पांचवा एस के, है ना, 4s और 4p के बीच में 3d, 5s और 5p के बीच में 4d, छठवां और सातवां sfdp आएगा, तो 6s और 6p, f2 कम 4f, d1 कम 5d और सातवां 7s, 5f, 4d, 5p। इस तरह से आपको याद करना, 7s, 5f, 6d, 7p, ये आपको याद करना है। अब ये आपको याद हो चुका अगर, तो आइए इसका हम लोग एप्लीकेशन समझ लेते हैं। अब क्या है, यहां पर हम लोग हर पीरियड के इनर्ट गैस का परमाणु संख्या पहले लेक्चर में एपिसोड 1 में याद किए थे, उसको यहां पर एक बार लिख देते हैं हम लोग, है ना। यहां पर इनर्ट गैसेस का नाम लिख लेते हैं, हर पीरियड के इनर्ट गैस का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन होता है पहले पीरियड में? हीलियम, दूसरे में कौन? नियॉन, तीसरे में आर्गन, क्रिप्टन, है ना, जेनन और रेडन। और सातवां वाला पता था हम लोग, अनन ऑक्टियम, मैंने बोला था इसका इस्तेमाल नहीं पड़ेगा, तो बस इतने ही तक याद रखना है। हीलियम का 2 हो गया, नियन का 10 हो गया, आर्गन का 18 हो गया, क्रिप्टन का 36 हो गया, जेनन का 54 हो गया और रेडन का 86 हो गया। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86 हम लोग को याद है। अब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आपको उसके पहले क्या सोचना है? देखिए, ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी एग्जाम का आपके क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल 2, यानी कि 10, 12, 14 कर दें, है ना, 2, ठीक है। तो अब बताइए, चलिए थोड़ा सा इसको यूज करने से पहले, है ना, इसको यूज करने से पहले, ये बहुत सारे लोग निकल आ रहे हैं इसमें से, है ना, ये सब देख रहे हैं ना, स्मार्ट बोर्ड का टाइम है तो इसमें स्मार्टली, है ना, ये हम लोग के थोड़ा सा आप सतर्क नहीं रहे तो बहुत सारी फालतू चीजें निकल आती हैं, है ना, तो ये काम की चीज हमारे जो है उसको लेते, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स, यहां पे ऑर्बिटल्स, कक्षक, है ना, ऑर्बिट अलग चीज है, है ना, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल, है ना, कक्षक, ऑर्बिट कक्ष है, पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये पाथ नहीं है, स्पेस है, जगह है, है ना। तो ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल में एस पी डी एफ, है ना, एस ऑर्बिटल हमेशा एक रहता है, पी में, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल रहते हैं, उनका नाम पीएक्स, पीवाई, पीजेड बाद में पढ़ेंगे, है ना। ये ऑर्बिटल एस में कितने होते हैं? 1, पी सबसेल में कितने होते हैं? 3, और डी में 5 और एफ में 7। और हमने आपको बताया ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को रहने की वो जगह है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। पी सबसेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6। ध्यान दीजिएगा, पी ऑर्बिटल नहीं है, पी सबसेल है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। तो कोई कहे कि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आप धोखा खा गए, लिख दिए 6। अरे पी ऑर्बिटल नहीं भाई, पी सबशेल है, पी ऑर्बिटल तीनों ऑर्बिटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सब में 2-2 होते हैं। अब इसमें डी में 5 ऑर्बिटल है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 7 है तो कितने हो जाएंगे? 14। एकदम से क्लियर, दुगुना कर देना, 1, 3, 5, 7 का, 1 का दुगुना 2, है ना, 3 का दुगुना 6, डी 5 है तो 5 का दुगुना 10, एफ 7 है तो 7 का दुगुना 14। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम, मतलब हर बात एकदम क्लियर हो जाए। और अगर जो क्लियर नहीं हो, आप हमारे जब कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक पर्सनल ग्रुप दिया जाता है, उसी ग्रुप में अपनी अपनी क्वेरीज आप लिख देते हैं और हर शिक्षक इस बात को समझ जाते हैं कि हमें अगले डाउट सेशन में क्या बात डिस्कस करनी है। कभी कभी तो डाउट सेशन से पहले वीडियो बनाते समय ही उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को हम लोग अपने लेक्चर में ले लेते हैं ताकि आपकी समस्या वहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये तो याद करने वाली बात है, समझना नहीं है। क्या याद करना है? कि भाई एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 भरेंगे मैक्सिमम, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, एस जहां भी आएगा मैक्सिमम 2 भर सकते हैं।
पी जहां भी आएगा एक से लेकर के छह तक भर सकते हैं, मैक्सिमम छह भर सकते हैं, है ना, मैक्सिमम। डी जहां भी आएगा मैक्सिमम दस, एक से लेकर दस तक भर सकते हैं, और एफ जहां भी आएगा मैक्सिमम चौदह भर सकते हैं, एक से लेकर के चौदह तक इलेक्ट्रॉन एफ में भरा जा सकता है। क्लियर है कि बात आपको? आइए कुछ एलिमेंट के एटमिक नंबर लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आए और फिर यह भी देखें कि एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमने थोड़ी भी बचाव नहीं करी, नियम हमें नहीं पता है, तो सवाल हमसे खट से गलत हो जाएगा। इसलिए इस तरह से पढ़ना है, जो एकदम नया विद्यार्थी है जिसको केमिस्ट्री बहुत कमजोर है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का उसको शिक्षक बनना है ना, उसको टीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसको पीजीटी में केमिस्ट्री लेना है सब्जेक्ट, और वो जानता है कि केमिस्ट्री एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर पीजीटी में आप केमिस्ट्री लेते हो तो नीट वाले को भी पढ़ाते हो, जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, मैथ साइड वाले, आईटी वाले उनको भी, और बायो साइड वाले, नीट वाले उनको भी। और आजकल तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जब बच्चा इंटर में होगा तो अब पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम एक ही साथ होगा। तो जब आप शिक्षक बनते हैं, पीजीटी से टीचर बनते हैं, तो उस एंट्रेंस के लिए भी आपको अपने बच्चों को तैयार कराने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी 2023 से शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आपके विद्यार्थी के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो मैं अपने केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों से, जो मैं भी एक केमिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं, तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों से हमेशा विनम्रता के साथ मेरा निवेदन रहता है कि आप इसको ऐसा पढ़िए कि केमिस्ट्री जैसे आमतौर पे बोरिंग केमिस्ट्री, जैसे आमतौर पे थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, आमतौर पे लेंदी कहने वाली जो परंपरा बनी है वो खत्म होकर के केमिस्ट्री एकदम स्मार्ट तरीके से आपको आने लगे, और आप जब भी किसी को पढ़ाएं तो लगे कि हाँ एक नॉलेजफुल बंदा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर चीज का फील है, वो आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर बातचीत करते हैं। परमाणु संख्या हम कुछ भी दे दें, जैसे मान लो मेरे पास 20 है और मेरे पास 30 है, 40 है, 50 है, कोई भी नंबर है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है ना। तो 20 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 20 से पहले जो इनर्ट गैस आएगा उसका नाम लिख दीजिए। देखिए, हीलियम, नियॉन और आर्गन, हीलियम, नियॉन और आर्गन में आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18। जैसे मान लीजिए पहले मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। अब आप में से ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जब परमाणु संख्या नहीं याद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हर चीज आपको याद कराएंगे, है ना, एकदम बेसिक से आपको हर बात बताएंगे, लेकिन अभी नहीं कि आज ही एकदम आपको सब ज्ञान ही प्राप्त हो जाए, है ना, धीरे 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 सब चीजें सीख जाएंगे। मेरे साथ आप प्रैक्टिस में रहेंगे, रेगुलरिटी में रहेंगे, तो कोई एक ऐसी बात नहीं होगी जो आपको खुद से समझ में ना आती हो। तो अब नाइट्रोजन का मान लीजिए 7 है, तो हम लोग को पता है पहले सेल में भाई एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s2 लिख दिए, दूसरे सेल में एस में 2 जाएगा, आपने 2s2 लिख दिया, पहले सेल में एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, एस में एक भी भर सकते हैं, 2 ही भर सकते हैं, मैक्सिमम भरना है ना, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन आगे है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, पी में अब आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 4 भर चुके हैं, तो आप पी में 3 भर दिए। तो ये नाइट्रोजन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। अब यहीं से ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या, वैलेंसी, है ना, संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में जाएंगे। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, 1s2 2s2 2p3 हमने लिख दिया आपको। तो अब ये क्या हो रहा है कि अब इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए पहले सेल के 1s2 लिखने के बजाय हम लोग हीलियम लिख लेंगे। अगर हीलियम लिखते हैं मतलब एटॉमिक नंबर 2 तक लिख दिया हमने, हीलियम लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर 2 तक लिख दिया। अब क्या हुआ, हीलियम लिखा मतलब 2 के बाद लिखना है, 2 के बाद कौन बचा, 2s2 2p3। अब मान लो किसी को 80 लिखना है, 80 का परमाणु संख्या, 80 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है परमाणु संख्या का, तो क्या करेगा, बैठ के 1s2 2s2 पूरा लिखते रहेगा, नहीं, 80 से जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस 54 लिख देगा, और उसके आगे 54 के आगे, ये देखिए छठवें पीरियड में इलेक्ट्रॉन जितना भरना उतना भर देगा, जब तक 54 के बाद 80 तक इलेक्ट्रॉन भरता है भर देगा, यही तरीका होता है। हाँ, 7 का लिखना है, 9 का लिखना है, 10 का लिखना है, 20 का लिखना है, 1s2 से शुरू कर दीजिए, वो अलग बात है उसमें जा, लेकिन अब 90 का लिखना होगा तो 1s2 से लिखेंगे तो थक जाएंगे और ये तो बहुत गंदा तरीका हो गया। तो क्या कहा मैंने, अगर 20 का लिखना है तो 1s2 2s2 ऐसे भरने की जरूरत नहीं है, 20 के पहले कौन सा इनर्ट गैस है, 18, और 18 का मतलब क्या होता है, आर्गन, है ना, आर्गन लिख दिए, इसका मतलब 18 तक पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, कैसे, एस में 2 पी में 6, एस में 2 पी में 6, 18 हो गया, 18।
भाई यहां तक 10 आया, यहां तक 18, 18 भर गया, अब कितने भरने हैं? बस दो भरने हैं, 18 मतलब ये थर्ड पूरा भर गया, यहां तक मत भरिए, 18 लिख दिया मतलब यहां तक पूरा भर गया, है ना? लोग समझ रहे हैं कि इसके पहले क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, समझ रहे हैं आप? अब आप क्या करें, बस एस में दो भरिए इसमें, तो 18 और यहां पर दो भर दिए तो क्या हो गया 20, एस में दो भर दिए तो क्या हो गया 20। अब आगे नहीं भरना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, बचे होते तो आगे ले जाते हम लोग। अब 20 के बाद 30 करना है, अब 30 के पहले भी 18 ही इनर्ट गैस है, 30 के आगे 36 है ना, अगला इनर्ट गैस 36 है, और 30 के पहले वाला लेना है तो 18 है, तो फिर से आर्गन लिखिए 18। अब देखिए 18 में 12 जोड़ेंगे, 18 में 12 जोड़ेंगे 30 आएगा, है ना? तो अब 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, जब 20 था तो 2 भरना था और अब 12 भरना है, तो 12 भरना है तो किसमें भरेंगे, 4s में 2 है ना, और d में 10, d में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 बचा था, 18 2 20 30 भरना था, 10 बचा था, इसलिए हमने यहां पर d में 10 ऐसे कर दिया। अगर 28 होता तो यहां 8 भरते, 27 होता तो 7 भरते, बोले समझ में आपको आ रहा है, 25 होता तो 5 भरते, इसका मतलब क्या हुआ, अभी एक्सेप्शन वाली बातें हम नहीं कर रहे हूं, करेंगे हम लोग सब चीज सिस्टमेटिक, है ना? अचानक से हम लोग कोई बात करते करते, मैंने बार बार बोला कि कोई और बात करना शुरू नहीं करते, सब सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने वाले बच्चे हमेशा एग्जाम में अच्छा करते हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से कभी भी कुछ भी बात करने वाले बोलते बढ़िया है, समाज में माहौल अच्छा बनाते हैं, एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते, है ना? इसलिए आपको एकदम मैं आपको बता दूं, मेरा ये 20वां साल का एक तजुर्बा है, इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया हमने और इतने सारे सिलेक्टेड मेरे विद्यार्थी हैं, और उन सब में जो एक कॉमन चीज मेरे को दिखी है वो यही दिखी है कि बहुत रेगुलर कंसिस्टेंस, बिना शो ऑफ किए, हमेशा एनर्जेटिक होकर के टारगेट ओरिएंटेड तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी, और जब जो एग्जाम चाहा निकाला निकल गया, जब पीजीटी दे रहे थे पीजीटी निकल गया, फिर बाद में उनका मन किया पीसीएस देना, पीसीएस निकाल लिया उन्होंने, बाद में उनका मन किया कि हम आईएएस में जाए, आईएएस का एग्जाम देंगे, तो आईएएस भी क्वालिफाई किया, है ना? तो मेरे कहने का मतलब कि एक कॉमन बिहेवियर एग्जाम निकालने का, वो है रेगुलरिटी, मतलब सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी, है ना? दूसरा है फोकस्ड पढ़ाई करना, कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब केमिस्ट्री तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, लेकिन क्या पता एग्जाम में आपको स्कोर करा पाए या ना करा पाए। मैंने आपसे बोला था कि आप यहां केवल केमिस्ट्री नहीं सीख रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पेपर है, तो अगर हम केमिस्ट्री को बहुत आसान कर दें और कम समय में आप केमिस्ट्री कर ले जाएं, तो बचा हुआ टाइम आप फिजिक्स को देंगे, और फिजिक्स में आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने हैं, तो बचा हुआ टाइम जब उसको देंगे तो फिजिक्स में आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो कंबाइंडली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यह स्ट्रेटजी है टीजीटी के लिए, और पीजीटी में तो अलग अलग पेपर्स आने हैं, उसके लिए तो मैं आपको इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा कि मेरे पीजीटी के विद्यार्थियों को लगेगा कि हाँ आप केमिस्ट्री में हर बात फील आ रही है, अभी हम लोग अभी एक कॉमन सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पढ़ने की स्ट्रेटजी, आप लोग पढ़ाने की स्ट्रेटजी आपको पता है, मैं आपको 5 लेक्चर हफ्ते में टीजीटी का दूंगा, जिसमें कि पीजीटी और टीजीटी का बेसिक सिलेबस होगा कॉमन, जो पूरा पूरा टीजीटी कवर करेगा और पीजीटी का पूरा बेसिक। 3 लेक्चर हर हफ्ते ओनली फॉर पीजीटी, जो कि सिलेबस टीजीटी में नहीं है, उसको फोकस करके दिया जाएगा, और दोनों का एक एक लाइव क्लास अलग हर हफ्ते, टीजीटी वाले विद्यार्थियों का अलग लाइव क्लास, उसमें पीजीटी वाले भी रहेंगे, अपने डाउट अगर छोटे मोटे हैं तो पूछ सकते हैं, और पीजीटी वालों का स्पेशली उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लास। प्रॉब्लम सीट एक कॉमन जाएगी, एक पीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए जाएगी, तो अब प्रॉब्लम शीट भी दो हो गई, मैराथन क्लास टीजीटी पीजीटी के लिए सबके अलग अलग होगी। मेरे कहने का मतलब ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड और पूरा सिस्टमेटिक हमने करिकुलम प्लान किया है, इसके बाद ही हम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपका हम मैक्सिमम मार्क्स 100% मार्क्स की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, है ना? क्योंकि हमारी ऐसी तैयारी है, इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, ठीक है? मैं क्या कह रहा था कि अब आपको 40 का करना है, इसका करना है 40 का, परमाणु संख्या क्या है 40, तो 40 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है क्रिप्टन, 40 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है क्रिप्टन, इसका परमाणु संख्या 36 होता है, भाई क्रिप्टन यहां लिख दो, तो क्रिप्टन लिख दिए तो क्या हो गया, क्रिप्टन लिख दिए तो क्या हो गया 36 पूरा हो गया, 36 पूरा हो गया मतलब चौथे सेल तक पूरा भरा हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 पूरा भरा हुआ है, भरने की जरूरत नहीं है,
लिख लिख के दिखाना नहीं कि हमने भर दिया है ना। अब जस्ट 36 के बाद जो बचे हुए चार इलेक्ट्रॉन है, 36 चार 40 होता है, उस चार को इस 36 के आगे मतलब पांचवे में भरिए, चौथे में नहीं भरिए, चौथा तो भर चुका है, यहां तक पूरा भर चुका। अब आप क्या करेंगे, इस पांचवे में चार इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो चार भरेंगे तो पहले क्या करेंगे, एस में दो भरेंगे, 5s2 है ना, चौथा हो गया कंप्लीट। तो चौथे के आगे बढ़ जाइए, पांचवे में चौथे का इनर्ट गैस निकला है तो अब चौथे के आगे पांचवे में भरना है, पांचवे के इनर्ट गैस लेके छठवे में भरना है। तो अब देखिए 5s2 और 4d2 इस तरह से हमें समझ में आ गया कि पांचवे पीरियड का एलिमेंट है। कोई पूछेगा 40 का पीरियड क्या है, तो जो अधिकतम शेल यूज हुए हैं, कोष यूज हुए हैं, वही उसका आवर्त होता है, वही उसका पीरियड होता है। तो इसका पीरियड क्या है, 5। इसका पीरियड क्या है, 5। इसका शेल 5, सब शेल मतलब ब्लॉक डी, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है ब्लॉक होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है ब्लॉक होता है। तो 40 अगर आप भरते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी में, तो उसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है ना, आप ब्लॉक निकालने की कोशिश ना करें, जो हमने शॉर्टकट तरीका बनाया था उससे करें, क्योंकि बहुत जगहों पर एक्सेप्शन है, जल्दीबाजी में गलती होती है। गलतियां कोई जरूरी नहीं है कि आपको ना आने से ही हो रहा हो, इसलिए भी गलतियां होती हैं कि आपको चीजें आती तो थी लेकिन उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर दिया है और आप वहां पर जल्दीबाजी में समझ नहीं पाए। एग्जामिनेशन का भी एक अपना फोबिया होता है, एग्जामिनेशन का भी अपना प्रेशर होता है, तो वहां पर भी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो अब वो गलतियां अवॉइड करनी है तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर एसपीडीएफ ब्लॉक केवल पूछा हो तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, पिछले क्लास में जो स्ट्रेटजी थी उसको फॉलो करना है, उसको मैं कंप्लीट करूंगा, ब्लॉक ग्रुप एकदम से आपको प्रैक्टिस में लाऊंगा फिर से, है ना। चलिए जी, तो अच्छा अगर कोई 40 का ब्लॉक पूछे तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, क्या करना है, 36 पे इनर्ट गैस, चौथा पीरियड खत्म, एस में दो, डी में दो, डी ब्लॉक। क्या जरूरत है लिखने की, सब हम लोगों को पता है 40 के पहले 36 आता है, ब्लॉक पूछ रहा है कोई 40 का है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है, पता है 36 पे खत्म चौथा पीरियड, इनर्ट गैस पे खत्म, शुरू करो एस में दो, डी में दो, डी ब्लॉक। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, खुद ही ऐसे हो जाएगा। अब किसका करना है, 50। 50 के पहले भी 36 ही है क्योंकि 36 के बाद अगला इनर्ट गैस 54 है। तो अब मैं अगर क्रिप्टन लिख दूं तो ये 6s 4f 6s, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा सब लोग, है ना, 6s क्यों, ये तो 54 के बाद आएगा ना छठवां, ये थोड़ा हम लोग को है ना मिटा देना होगा, ठीक है ना, 36 के बाद मतलब पांचवा ना, 54 के बाद होता तो छठवां होता है, ठीक है। तो चलिए पांचवें भरना है, 5s 4d एंड 5p, आइए भरते हैं। 36 2 38 10 48 2 50, ठीक है, पी में दो भर दिए 50, पी में छह भर देते 54, पी में छह भरते 54, देखिए 54 इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में पी में पूरा 6 भरा रहेगा, कंप्लीट रहेगा, है ना। अब ऐसे ही 60 करेंगे, ऐसे ही 70 करेंगे, ऐसे ही 80 करेंगे, ऐसे ही 90 भी करेंगे। मेरे ख्याल से आपको यह समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद एक्सेप्शन वाली क्लास में हम लोग आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें, है ना, ताकि आपको लगे कि अभी तो आप समझ रहे थे, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना कि हमको कितना समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैं यहां पर 25 ले लूं, 35 भी ले लूं, 45 भी ले लूं, 55 भी ले लूं, 65 भी ले लूं। जब 25 का करना है तो पहले 25 के जस्ट पहले इनर्ट गैस 18, हीलियम नियन आर्गन, यहां पर लिख दिया हमने आर्गन, आर्गन का 18 होता है हीलियम नियन आर्गन। पहला पीरियड खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथे में चले जाइए 4s 3d। 18 में 7 जोड़ेंगे 25 होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 18 2 20 हो गया, 7 और भर दिए तो 18 2 20 और 5 भर दिए तो 25 हो गया, 7 भर दिए 27 जाता है ना। 35, 35 के पहले भी 18 ही है भाई, क्योंकि 35 के जस्ट आगे 36 है ना, तो हम आगे नहीं जाना पीछे जा रहे हैं। तो 18 फिर से आर्गन, 4s 3d और 4p चौथे पीरियड में होता है।
तो एस में दो भर दिए, डी में दस भर दिए, 18, 2, 20, 10, 30 और ये 5 हो गया 35, 18, 2, 20, 10, 30 और 5 हो गया 35, है ना, 45। अब 45 से पहले इनर्ट गैस कौन है, 36 है, और 36 किसका होता है, क्रिप्टन का, यहां पर हम लोग क्या लिख दिए, क्रिप्टन, चलेगा, यहां पर क्या लिख दिए, क्रिप्टन, तो क्रिप्टन लिख दिया तो क्या हो गया 5s 4d, है ना, 5p, क्योंकि क्रिप्टन का मतलब क्या होता है, चौथा पीरियड पूरा भरा है, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन, पहला पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा पूरा, चौथा पूरा, है ना, एकदम फिंगर्स पे रखिए केमिस्ट्री, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन, 4 पूरा हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 5वें में, तो 36 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन भरना हो तो 5वें में भरेंगे, तो 5s2 4d 10, 36 2 38 और 10 48, है ना, और समझ में आ रहा है भाई, क्रिप्टन का 36 2 38 10 48 और कितना भरना है हम लोग को, बोले 48 तो नहीं भरना था ना, कम ही भरना था, 45 ही था, तो हमने ज्यादा भरा तो कम कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 36 2 38 और साथ ही भरना था, तो यहां पर हम 7 की जगह, है ना, 10 की जगह 7 कर देते हैं, समझ में आपको आ गया, क्लियर हो गया है। 55 54 के जस्ट बाद आता है, तो 54 का लिख दिया हम जेनन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन, 5 पीरियड खत्म, 5 खत्म, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन, 5 खत्म, छठवें में जाएंगे 6s, अब एक ही भरना है, ये 54 और एक 55 हो गया, 65 से भी पहले 54 जेनन, 6s 4f 5d 6p, है ना, तो 65 एस में 2, 54 2 56, 54 2 56 और भरना कितना है, 9 और 56 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 65, तो हमने क्या किया है, आ रही बात समझ में आपको भाई, 54 प्लस 2 56 और 56 प्लस 9 65 9। अगर कोई पूछेगा 65 का पीरियड क्या है, तो मैक्सिमम सेल जो यूज हुआ होगा छठवां, चौथा भी यूज हुआ है, छठवां मैक्सिमम छठवां, कोई पूछेगा कि 65 का ब्लॉक क्या है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया, एफ में, एफ ब्लॉक, ठीक है। अब मैंने बोला था इस तरह से कभी कभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन गलत होते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल आपको हम एक्सेप्शनल बताएंगे और उसका उसको अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करके हम इसको पूरा का पूरा समराइज करेंगे, ताकि इस पर आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, और जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जिसको कि प्रॉपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। तो आइए एक सवाल पे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को ले चले, ठीक है। हमारे पास एटॉमिक नंबर 57 है, परमाणु संख्या 57, है ना। अगर 57 से पहले इनर्ट गैस लिखना होगा तो कौन सा लिखेंगे, जेनन, 54। अब 54 तक पूरा लिख दिया हमने, मतलब जेनन लिख दिया और 54 तक भरा है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1s2 2s2 करने की जरूरत नहीं, 54 हो गया। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कहां जाएंगे, 6s 2, है ना, और s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, s के बाद हम लोगों ने f पढ़ा है, है ना, तो f पढ़ा है तो इसमें जाएगा 1, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन f में भरेंगे इसका ब्लॉक कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, f ब्लॉक। लेकिन पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको याद करवा रहा था तो मैंने बड़ी अच्छी बात बताई थी, याद करिएगा, अगर यहां पर याद हो मैंने कहा था कि देखिए स्कैंडियम है, ये इट्रियम है, ये लैंथेनम है और ये एक्टिनम है। इसको याद करने का तरीका, एससी यादव लाए एसी कार, एक कहानी है, है ना, एससी यादव लाए एसी कार, एक पूरी कहानी है, जिसे टेबल 5 मिनट में याद हो जाता है ना। इसलिए मैं बोला कि आपको परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु भार, ये सब याद करने की कोई बहुत दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब एकदम मुंह जवानी हो जाएगा, बस हम लोग अपने लेक्चर को रेगुलरली करते जाएं, ठीक है। तो एससी यादव लाए एसी कार, इसके आगे लाए लैंथनम के आगे से याद कराए थे, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, है ना, एक कवि की कल्पना थी, कवि की कविता थी, वो कवि मैं ही हूं, ठीक है। और ये एसी है ना, इस एसी के आगे आगे याद हुआ था, थोरियम से चला था ये वाला, तांगे पर यूं नजर पड़ी, एक कविता आई थी, याद होगा आपको। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में 54 पे खत्म हुआ 5वां पीरियड, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, 54 पे 5वां पीरियड खत्म हुआ, 55 और 56 एस ब्लॉक में गया, क्योंकि इनर्ट गैस के बाद एस ब्लॉक आता है,
57 एटॉमिक नंबर होता है लैंथेनम का, ये देखिए La है लैंथेनम, इसका 57 होता है और 58 से F ब्लॉक शुरू होता है। कितने से? 58 से F ब्लॉक शुरू होता है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन से निकाल रहे हैं तो 57 का ब्लॉक कौन सा है? F। लेकिन F ब्लॉक तो 58 शुरू होता है। तो इसको मेरे भाई को याद रखेगा तब ना, क्या याद रखेगा कि F में एक इलेक्ट्रॉन S के बाद नहीं जाता, पहले D में जाता है तब F में जाता है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हुए किया जाता है। केवल इलेक्ट्रॉन जोड़ जोड़ के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता कि दो में एक बचा है यहां भर दो, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लैंथेनम डी ब्लॉक की सीरीज में है, ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भले आगे पीछे करना पड़े उसको डी ब्लॉक में सेट करना है। तो आप बताइए 4F में एक नहीं होगा तो कहां होगा? 5D में एक होगा, यानी यहां पर क्या होगा? जीरो। आपको मेरी बात समझ में अगर आ रही हो मैं क्या कह रहा हूं, ये रूल है कि S में दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एक D में भर के तब F में एक भरेंगे। F में दो भरना हो तो कोई जरूरी नहीं है, सीधे F में दो भर दीजिए। F में तीन भरना तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन F में एक भरना हो, अगर केवल एक भरना हो तो D में एक जाएगा और F में नहीं जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सेप्शंस है जिनकी एक अलग लिस्ट है, जिसको मैं बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सब लर्न कराऊंगा अगली क्लास में, और तब आपको समझ आएगा कि 57 का ब्लॉक डी ब्लॉक कन्फिगरेशन से निकालने में गलती हो सकती है, लेकिन सर जो ट्रिक बताए थे उससे गलती नहीं होती। सर बोले थे 58 से 71 तक ए ब्लॉक होता है, 90 से 103 तक ए ब्लॉक होता है, ए ब्लॉक शुरू होने से पहले डी ब्लॉक का एक एलिमेंट होता है। तो सर 57 बोल रहे हैं, 54 पे इनर्ट गैस खत्म, दो गया एस में 56, और F से जस्ट पहले D का एक एलिमेंट आता है, उसके बाद F शुरू होता है। ये पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट का तरीका है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट और लॉजिक नहीं, पहले इसमें क्यों गया, ये क्यों नहीं हुआ। अरे जो टेबल है उसमें जो जहां है उसी को बताओगे ना। मकान नंबर तुम्हारा 15 है और 15 से पहले 14 आना चाहिए, 15 से पहले 14 आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि जो 14 वाला मकान है बाद में दो पार्ट में बट गया, दो लोगों ने खरीद लिया, तब उनको बाद वाला नंबर मिलेगा। अब बाद वाला नंबर मिलेगा तो अब 14 मिल चुका था, 15 मिल चुका है, तो दूसरे वाले को मिलेगा और 17 ही मिलेगा ना, 16 मिलेगा। अब आप एकदम बहस करने लगे इनका पहले 16 15, ये कैसा अरेंजमेंट है, ये कैसे मकान नंबर उल्टा पुल्टा पड़ा? नहीं, वो इसलिए पड़ा है कि कंडीशन चेंज हुई है। तो ध्यान दीजिएगा कि कहां इलेक्ट्रॉन कैसे भरा है, ये कंडीशनली हमें सबको समझना होगा, और अगले टर्न पे ये सब बातें हम और भी करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा मेन उद्देश्य था ये आपको सिखाना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। एक्सेप्शन वाली बातें नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी में ये एक्सेप्शन वाली बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि एक्सेप्शन याद करने के बाद समझ में आता है कि इसमें ये एक्सेप्शन होता है ना। बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात ठीक है, समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें हैं कि हमें लर्न करना पड़ता है कि 57 के केस में पहले एक डी में भर के बचेगा तो एफ में जाएंगे और बचेगा ही नहीं, है ना। तो ये रूल है, याद करना है तब आगे बढ़ना है। अभी हम लोग केवल इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, इन क्वेश्चंस को घर से करके आप रखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब हम बातचीत करें तो आपको ये सब क्वेश्चन आता रहे। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, है ना। ऐसे ही आपको 89 कर लेना है, ऐसे ही आपको 71 कर लेना है, ऐसे ही आपको 103 कर लेना है, ऐसे ही आपको 27 कर लेना है। इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, कुछ एकदम सही सही होंगे, जहां कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। इसमें 51 कर लेना है, ऐसे ही आपको 66 कर लेना है, ये 64 आजकल बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है, कुछ खास बात है। इतने सारे क्वेश्चन अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम फिर से कुछ डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में आने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, रोम रोम से आशीर्वाद। बस यही आग्रह है कि समय बर्बाद किए बिना अपने इस टीजीटी और पीजीटी के कोर्स को टारगेट विद आलोका के चैनल के साथ अपने रेगुलर स्टडी स्टार्ट करिए। कोर्स ज्वाइन करने का वक्त आ चुका है, अब वेट करने का वक्त नहीं है। जैसे ही वैकेंसी आएगी, जैसे ही एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू सब लोग कर देंगे तो हम उसमें लीड लेंगे, हम आगे रहेंगे। इसलिए हमें अब इंतजार किसी चीज का, नोटिफिकेशन का नहीं करना है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी है ताकि जब तक बाकी लोग सोचेंगे तब तक हम काफी आगे निकल चुके होंगे। इसी आशीर्वाद के साथ आज की क्लास में आए हुए सब विद्यार्थियों को मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, और हमसे उम्र में ज्यादा विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमन। थैंक यू वेरी मच।